हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मदानी मोटर के वायर, वाइंडिंग के वायर जब चूहे काट देते हैं तो उसको कैसे रिपेयर करें अपने घर पर ही, वो भी बिल्कुल फ्री। इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, आप सिर्फ 4-5 रुपये के सामान से आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। चाहे आपके मोटर में 3 से 4 वायर कट कर दिए हों तो भी आप आसानी से उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो में बने रहे हैं। वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि मदानी मोटर को चेक कैसे किया जाता है। चेक करने के बाद आपको बताएंगे इसमें क्या खराबी निकलती है। तो इस प्रकार से 2 वायर बाहर न्यूट्रल और फेस के निकले रहते हैं। इन दोनों पर टच कराना है तो बल्ब जलना चाहिए और बल्ब जल भी रहा है। तो एक वायर के टच कराकर एक आप जब इस मोटर की बॉडी पर टच कराएंगे कहीं पर भी तो नहीं जलना चाहिए। यदि जलता है तो बॉडी में करंट आता है। बॉडी में करंट, मोटर जब जल जाती है तो अधिकतर मोटरों में करंट आने लगता है जब जबकि स्लॉट पेपर जल जाते हैं। इसी कारण से यह करंट शो करता है और बल्ब जलता है तो इसका मतलब मोटर को दोबारा रिवाइंड करना पड़ेगा। और कभी कभी जो स्विच के वायर हैं वो भी बॉडी से टच हो जाते हैं तो उस कारण से भी करंट शो करता है। तो इस मोटर को हमें खोलना पड़ेगा बाहर से। जब एग्जैक्ट पता नहीं चलता है तो हमें मोटर को खोलना पड़ेगा क्योंकि अंदर कैपेसिटर लगा होता है तो कैपेसिटर से करंट घूमकर वापस सीरीज बोर्ड में आता है तो बल्ब जलता है। लेकिन कोई वायर का फॉल्ट भी हो सकता है। तो इस प्रकार से पहले आप स्विचों से वायर को हटा लीजिए। और स्विचों का कनेक्शन किस प्रकार से होता है इसका वीडियो भी आगे आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। आगे आपको पता चलेगा कि इसमें क्या फॉल्ट निकलने वाला है और चूहों ने वायर इस मोटर में कहाँ से काटा है और उसको कैसे रिपेयर करना है बिना रिवाइंड किए इस मोटर को। तो इस प्रकार से आपको सभी वायरों को हटा लेना है और वायरों को हटाने के बाद में इस कैपेसिटर को भी डिस्चार्ज करना है और उसके बाद में हटा लेना है क्योंकि इसको डिस्चार्ज करना ज़रूरी होता है वरना करंट मार सकता है। तो इस प्रकार से आपको कैपेसिटर को हटा लेना है और इन दोनों कैपेसिटर के वायरों को टच कराना है। देखिए स्पार्किंग हो रहा है, इसका मतलब इस मोटर के अंदर फॉल्ट है। एक वायर, किसी एक वायर में करंट नहीं आ रहा है वापस घूमकर, तो वाइंडिंग के कहीं से भी वायर कटे हुए हैं इतना हमें पता चल जाता है। और कई मोटरों में ऐसा भी होता है कि ये जो ब्लैक और रेड जो वायर, 4 वायर निकले रहते हैं, किसी किसी मोटर में 3 वायर भी निकले रहते हैं वाइंडिंग से, उनमें से एक वायर हट जाता है तो भी मोटर नहीं चलती है। तो इसमें क्या खराबी है, इसको कैसे चेक किया जाता है, तो बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। उसके बाद में आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार से अब चेक करना है कि कौन से वायर बल्ब जलता है या कौन से वायर में नहीं जलता है। तो इसको चेक करने के लिए इस मोटर से 3 वायर निकले हुए हैं जिसमें रेड कलर का वायर कॉमन है और ब्लैक कलर के 2 स्टार्टिंग कॉइल और 1 रनिंग कॉइल और 1 स्टार्टिंग कॉइल के वायर हैं। तो इसमें से जो रेड के साथ दोनों में बल्ब जलना चाहिए और दोनों ब्लैक ब्लैक में भी बल्ब जलना चाहिए। जिस वायर में बल्ब नहीं जल रहा है वो वायर कहीं से हटा हुआ है या कहीं से वायर कट है। तो वाइंडिंग में भी कहीं से वायर कट हो सकता है। तो इसको चेक करने के लिए देखिए रेड और ब्लैक में इसमें जल रहा है लेकिन उस ब्लैक के साथ जो दूसरे वाला है उसमें दोनों वायर के साथ ही नहीं जल रहा है। तो जो जिस वायर पर लगाने पर नहीं जलता है उस वायर में फॉल्ट है कहीं पर, तो उस वायर को अलग करने के लिए आप इस पर एक गांठ लगा दीजिए, यानी कि वायर कहाँ से हट गए हैं आगे इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो इस प्रकार से जो ये ब्लैक कलर का वायर है इसमें करंट शो नहीं कर रहा है तो इसको अलग रखना है। आपको इसी वायर को चेक करते हुए चलना है जो स्टार्टिंग कॉइल से जुड़ा हुआ है। जो 2 ब्लैक कलर के वायर है इन्हीं को आपको चेक करना है। जो रेड कलर के वायर है वो बिल्कुल सही है। तो उसको चेक करने के लिए आप कैंची की सहायता से इस पर जो सिलाई की हुई है इसको आपको हटाना है बिल्कुल सावधानी से। कोई भी वायर हटना नहीं चाहिए, यानी कि कैंची से कट नहीं होना चाहिए वरना आपको दोबारा रिवाइंड करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से आप सावधानी पूर्वक इसको हटाना है। वायर भी कोई टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही सलामत आपको इसको हटाना है बिल्कुल ध्यान से। और सबसे पहले आपको इस वायर को ही चेक करना है यहाँ से कि यहाँ से तो नहीं हटा हुआ है, उसके बाद में आगे का प्रोसेस हम करेंगे। तो
इस प्रकार से आपको सावधानी पूर्वक इन जो ऊपर धागे लगे हैं इसको हटा लेना है, कट करना है धीरे धीरे। और कट करने के बाद में इस वायर को ध्यान में रखना है, इसी वायर को चेक करना है आपको, जो ब्लैक कलर के दोनों वायर है उसको आप चेक कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपको उसको उठाना है, और जो रेड कलर के वायर है उसको बिल्कुल है जैसे के जैसा रहने देना है, उसको नहीं हिलाना है, ज़्यादा हिलाने पर वायर टूट भी सकता है। तो इस प्रकार से इसका स्लीव पाइप आप यहाँ से निकालिए, निकालने के बाद में आपको पता चलेगा कि यहाँ से हटा हुआ तो नहीं है। यहाँ से जब सही होगा तो हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो यहाँ से तो बिल्कुल सही लग रहा है, और सीरीज बोर्ड से हम चेक भी कर लेंगे कि यहाँ से सही है या नहीं। यहाँ से तो करंट आ रहा है, यानी कि जुड़ा हुआ है वायर। तो आगे हम देखिए, पहले सीरीज बोर्ड से हम टेस्ट कर लेते हैं। तो सीरीज बोर्ड से आपको कैसे चेक किया जाता है नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सीरीज बोर्ड बनाना और इससे कैसे टेस्ट किया जाता है सीलिंग फैन वगैरह, तो मैं आपको सिखा दूंगा। तो इस प्रकार से जो दो ब्लैक कलर के वायर हैं, एक बाहर निकला हुआ है और एक यहाँ से हम स्लीव पाइप निकाला है, तो इन दोनों को लगाकर देखना है। तो बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब खराबी कोई और है, यहाँ पर कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इनको हम जो ब्लैक कलर का वायर हटाया है इसकी जगह अलग वायर हम लगा देंगे बाद में। तो पहले इस वायर को ही हटा लेते हैं, ब्लैक कलर के जो वायर अब स्लीव पाइप हमने हटाया है वो। उसके बाद में ध्यान से आपको देखना है, इस साइड से तो चूहे नहीं काट सकते, लेकिन नीचे की साइड से कभी कभी चूहे काट देते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है कि कहीं से कोई वायर कटा हुआ तो नहीं है। तो ध्यान से जब देखोगे तो ऐसे नहीं पता चलता है, तो आप स्टेटर को बाहर निकाल लीजिए। जैसे मैंने बाहर निकाल लिया स्टेटर को, तो देखिए यहाँ से वायर कट किया हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से हम जो धागे हैं इनको हटाना है कैंची की सहायता से, बिल्कुल सावधानी से। तो इस धागों को हटाने के बाद में ही पता चलेगा कि कितने वायर कटे हैं, अभी तो एक वायर नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर तीन तीन वायर कट कर दिए हैं चूहों ने, तो इसको कैसे वापस जोड़ेंगे? तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक, अभी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो प्रोसेस हम करेंगे ये प्रोसेस करके आप मोटर को, मदानी मोटर को बिना रिवाइंड किए ही आप अच्छे से चला सकते हैं, और कोई भी खराबी नहीं होगी। तो इसको चेक करने के लिए आपको इन वायरों पर लगाकर देखना है कौन सा वायर, जो बाहर से ब्लैक कलर का वायर आया हुआ है वो कौन सा वायर है। तो देखिए जो बाहर हम स्लीव पाइप उतारा था, एक वायर उसके लगाना है और एक वायर इनमें से किसी के ऊपर लगाना है, तो मतलब किस पर जल रहा है आपको देखना है। तो देखिए इनमें भी नहीं जल रहा है, और देखिए यहाँ पर करंट शो कर रहा है। तो इस प्रकार से देखिए ब्लैक कलर पर लगाना है, और इस पर लगाते हैं तो नहीं आ रहा है। तो दूसरी साइड के जो तीन वायर आमने सामने से कटे हुए हैं उन पर लगाकर देखना है। तो वायर काफ़ी बड़े होते हैं तो आसानी से जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सोल्डरिंग आयरन से भी सोल्डर करके भी जोड़ सकते हो, या वायर का टुकड़ा ले लीजिए कोई, और 35 नंबर वायर का टुकड़ा लेकर उसको बड़ा कर लीजिए वायर को, और बाद में आसानी से स्लीव पाइप लगाकर इनको जोड़ना है। तो इसको कैसे जोड़ना है आपको हम दिखाते हैं। पहले जो तीन वायर है एक साइड के, उनको बड़ा कर लेना है, यानी कि दूसरा वायर का टुकड़ा लेना है, 35 नंबर वायर का टुकड़ा, और उनको जोड़कर जिस प्रकार से वीडियो में दिखा रहे हैं उस प्रकार से बड़ा कर लेना है। और इस वायर पर पॉलिश लगा रहता है, तो पहले आपको पॉलिश को रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जोड़ना है। और इस प्रकार से सावधानीपूर्वक जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद में इस पर आपको स्लीव पाइप भी लगाना पड़ेगा। तो पहले आप कच्चा जॉइंट कर लीजिए पता लगाने के लिए कि कौन सा वायर कहाँ से टूटा हुआ था, चूहों ने कहाँ से काटा था कौन सा वायर। तो तीन वायर एक साथ हैं तो इसमें पता नहीं चलता है कि कौन सा वायर किस पर जुड़ा हुआ था। तो इसके लिए आप पता लगाने का सबसे सरल तरीका है कि आप तीनों वायर को पहले किसी में भी जोड़ दीजिए, यानी कि आमने सामने आप अंदाज़ा लगाकर जोड़ दीजिए कि कौन सा वायर कहाँ से टूटा हुआ है। आपको नहीं पता है तो आप एक बार के लिए जोड़ दीजिए, और बाद में सीरीज बोर्ड से चेक करिए कि बाहर सभी जॉइंट के अंदर करंट आ रहा है या नहीं। देखिए एक वायर ब्लैक कलर पर लगा रहे हैं और एक वायर तीनों जो जॉइंट है उस पर, तीनों पर लगा कर देखना है, तीनों में करंट शो करना चाहिए, तब तो आपके कनेक्शन बिल्कुल सही है। यदि एक में कर रहा है, दो में बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है, तो आपके
जो तीन वायर कटे हुए थे उनको आपस में चेंज करना है, बदलना है। चेंज करने के बाद में फिर से यही प्रोसेस करना है, दोबारा से चेक करना है तीनों जॉइंट पर लगा कर कि शो कर रहा है या नहीं। यदि तीनों पर बल्ब जल जाए और दोनों ब्लैक कलर के वायर बाहर निकले हुए हैं उन पर भी बल्ब जलता है तो आपका कनेक्शन बिल्कुल सही होगा और आपकी मोटर अच्छे से वर्क करेगी। तो बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हमने जॉइंट को चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद में फिर से चेक करना है आपको, वायर रेड कलर में लगाना है जो बाहर निकला हुआ है और एक वायर तीनों जॉइंट पर लगाना है। देखिए तीनों जॉइंट पर बल्ब जल रहा है और अब बाहर वाले जो ब्लैक कलर के वायर दोनों हैं उन पर भी लगाकर देख लेना है कि बल्ब जलता है या नहीं। तो इस प्रकार से देखिए दोनों ब्लैक कलर के वायर पर जल रहा है तो हमारा मोटर बिल्कुल सही हो गया है। और अब आपको पक्का जॉइंट कर लेना है इस प्रकार से स्लीव पाइप लगाकर आपको अच्छे से, और इसकी सिलाई जो है वापस कर देना है। तो अब आपको बाहर से चेक करके बताते हैं, जो दो वायर हैं जो दोनों ब्लैक कलर के वायर हैं उन पर लगाना है आपको। देखिए जल रहा है बल्ब तो हमारा कनेक्शन सही है। तो इसमें से तीन वायर निकले हुए हैं तो आप रेड कलर पर लगाकर भी चेक कर सकते हो इस प्रकार से, देखिए तो भी बल्ब जल जाएगा क्योंकि इस मोटर में से ये रेड कलर का वायर है कॉमन है, तो इसमें से दोनों तीनों वायरों में आपस में बल्ब जलना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है वापस, और इस तरफ से भी आप जो कॉटन टेप आता है वो लगाकर आप सिलाई कर लीजिए और फिर से इस स्टेटर को मोटर के अंदर फिट कर दीजिए जिस प्रकार से आपने निकाला था। और इसको निकालने के बाद अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि मोटर चलता है या नहीं। देखिए मोटर अच्छे से वर्क कर रहा है और अच्छे से चल भी रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए।